Didn't subscribe yet? Do subscribe, and to never miss a video from my channel, click on the bell button. Hello friends, welcome back to my channel. Today is another Saturday and I am back with another recipe. आज के हमारे रेसिपी की ये खासियत है कि ये एक बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक डिश है। मैं बात कर रही हूँ बटर चिकन की। बटर चिकन हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे एक बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं बटर चिकन। बटर चिकन बनाने के लिए पहले हमने लिया है चिकन। ये करीबन 350 ग्राम चिकन है। इसे मैंने प्रॉपरली वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक चम्मच चिली पाउडर, एक चम्मच धनिए का पाउडर और एक चम्मच नमक। इन सब को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को हल्का फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा तेल। तेल को हल्का गरम कर ले और तेल हल्का गरम होते ही उसमें हम अपने मैरिनेटेड चिकन डाल लेंगे। तेल हल्का गरम हो गया है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड कर लेंगे। इसे मिक्स कर ले और इसे थोड़ा सा पकाए। चिकन को पूरा पकाने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चिकन से पानी को निकाल लेना चाहते हैं, इसीलिए हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। चिकन से जो ये पानी निकल रहा है ये सूखने तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन से हमारा सारा पानी एवेपोरेट हो गया है और चिकन हल्का ब्राउन भी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम ये निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाने की तरफ चलेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम सेम कढ़ाई यूज करेंगे, क्योंकि ये जो बचा हुआ तेल है इसमें चिकन के सारे मसाले हैं, तो ये हमारी ग्रेवी को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो इसमें मैं ऐड करूंगी और थोड़ा सा तेल। तेल गरम होते ही इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज, जिसे कि मैंने रफली चॉप किया है। इसे हल्का मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई में ही रखें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 6 से 8 काजू, थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज और टमाटो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करें 1 कप पानी। पानी में उबाल आते ही फ्लेम को लो कर दें और इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं, या फिर तब तक जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। ये करीबन 15 मिनट से कुक हो रहा था और आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज अच्छे तरह से गल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इस चीज़ को बिल्कुल ठंडा करेंगे और फिर इसकी एक बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे। इसको पूरा ठंडा होने दें,
बिल्कुल भी जल्दबाजी में ग्राइंड ना करें। अगर आप जल्दबाजी में ग्राइंड करेंगे तो सारा मसाला बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए इसे बिल्कुल ठंडा होने दें और फिर इसकी एक बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट बनाएं। कुछ भी चीज़ आपका पेस्ट में रह नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी सिल्की स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए। पेस्ट बनने के बाद हम फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर मेल्ट होते ही हम उसमें जो ग्राइंडेड पेस्ट था वो ऐड कर लेंगे। इसे मिक्स कर लें। फिर इसमें ऐड करें पानी। और इसे भी मिक्स कर ले। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसे भी मिक्स कर ले। इसमें थोड़ा सा उबाल आने तक फ्लेम को हाई रखें। इसमें थोड़ा सा उबाल आते ही फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं। इसमें से मखनी सॉस का जो स्मेल होता है वो तो पूरा अच्छे से आ रहा है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो है वो मखनी सॉस का कलर। मखनी सॉस का कलर सिर्फ टमाटो से कभी नहीं आएगा, क्योंकि टमाटो से हम लोग को माइल्ड ऑरेंजस कलर मिलता है लेकिन रेड कलर नहीं मिलता है। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको अगर मन है तो आप ऐड करें या फिर आप ना अवॉइड भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर दे। फूड कलर ऐड करते ही मुझे मखनी सॉस का कलर भी अच्छे से मिलने लगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा टमाटो केचप। टमाटो केचप हमारे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा सा टैंगी टेस्ट देगा। उसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा चीनी और इसे मिला लेंगे। देख सकते हैं ये कितना अच्छा सिल्की सा ग्रेवी हमारा बन के तैयार हो रहा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे आपको ग्रेवी मिलता है ये उसी तरह से आपको टेस्ट भी करेगा और उसी तरह से दिखेगा भी, बट बनाने के लिए ये हमको बहुत आसान पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम को भी मिला लें। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है हमारे ग्रेवी को। अब मैं इसमें चिकन पीसेस जो हमने पहले फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लूंगी। इसे अच्छे से मिला लें। बहुत जल्दबाजी में इसे ख़त्म ना करें, बिल्कुल टेस्ट कर करके धीरे धीरे से इसे पका के अराउंड 15 to 20 minutes पका के फिर सर्व करिएगा। और बिल्कुल भी हड़बड़ी में इसको बंद मत कर दीजिएगा। इसका जो एंड वाला पार्ट होता है जिसमें हमको इस ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छे से पकाना रहता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। अदरवाइज हमने जो ये ग्रेवी इतने अच्छे से बनाई, हमने जो चिकन को फ्राई किया वो अच्छे से टेस्ट नहीं करेगी। तो हमें चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई करके ग्रेवी के साथ इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको बीच बीच में पानी ऐड करना पड़ रहा है तो आप पानी भी ऐड करें, लेकिन इसे बीच बीच में चलाते भी रहें और ग्रेवी को चख के ही इसे बंद करेंगे। हम इसे जल्दबाजी में बंद नहीं करेंगे। इसका कलर कितना मस्त हो गया है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के बटर चिकन जैसे दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया है। इसे और 5 to 7 minutes के लिए हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट कर लेंगे। ये बटर चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है।
हम अभी इसको बंद कर लेंगे गैस और इसे प्लेट कर लेंगे। सो ये बटर चिकन हमारा प्लेट हो गया है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय चैनल बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें। थैंक यू।